एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली शहर से, जहां एक दोस्त ने सिगरेट नहीं लाने पर अपने ही दोस्त को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। खबर के मुताबिक 4 नवंबर की शाम डोंबिवली पूर्व के पेंडे से नगर स्थित तुषार बिल्डिंग के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर डोंबिवली की रामनगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक के दोस्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मारपीट की यह पूरी घटना बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम हरिश्चंद उर्फ बांकुल रामदास चौधरी है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है और वह ठाकुरली इलाके में रहता है, जबकि मृतक व्यक्ति का नाम जयेश जाधव बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक जयेश की बहन सुषमा जाधव की शिकायत पर मामला दर्ज कर कथित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक जयेश और आरोपी हरिश्चंद दोनों दोस्त थे और 4 तारीख के शाम को शराब पीने के लिए मिले थे। शराब पीने के बाद जब आरोपी हरिश्चंद ने मृतक से सिगरेट लाने को कहा, लेकिन सिगरेट लाने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी गुस्से से आग बबूला हो गया और मृतक की पिटाई शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से जयेश की पिटाई हो रही है। मारपीट के दौरान जिसके सिर पर गहरी चोट लग गई। हालांकि शराब के नशे में जयेश को इस बात का एहसास नहीं हुआ और वह घर जाकर सो गया। अगली सुबह जब जयेश बिस्तर से काफ़ी देर तक नहीं उठा तो परिजन उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने रामनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। स्टेशन में एक महिला सुषमा जाधव, इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन दिया कि उनको भाई को एडमिट किया था और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उधर उसका देहांत हो गया और उसका डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में हेड इंजरी ऐसा दिया था। तो उन्होंने ऐसा उनके बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा देखा कि ये इसका हेड इंजरी कैसा हुआ रहेगा करके, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी वो उसको मार रहा है और वो उसका दोस्त ही है, उसका नाम है बकुल चौधरी। तो उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया, उनके कंप्लेंट के ऊपर हमने 302 का गुना रजिस्टर किया है और वो जो चौधरी है बकुल चौधरी उसको अरेस्ट किया है और आज उसको कोर्ट में लेके गए, उसका पुलिस कस्टडी हम